नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे खान सर के एनसीईआरटी के किरण पब्लिकेशन के पर्यावरण एवं परिस्थिति के बहुत ही ज़्यादा शानदार बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। और इस बुक के अंदर एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर 12 तक के सिलेबस को कवर किया गया है। यह एक एनसीईआरटी का सार संग्रह है जिसके लेखक दोस्तों खान सर हैं और ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक है ना। अब दोस्तों आप देखेंगे इस बुक में जो विशेष आकर्षण है कॉन्सेप्ट बूस्टर, इसमें पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको कवर किया गया है। साथ में आपको एक कूपन कार्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसका यूज करके आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सारे स्टेप्स यहाँ पे बताया गया, तो बुक को आप परचेज कीजिएगा। स्टेप से सारा कुछ यहाँ लिखा गया है कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। इस बुक का जो MRP है दोस्तों 175 है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अगर हम बात करें दोस्तों इस बुक के नंबर ऑफ पेज के बारे में, तो 182 पेज आपको 192 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। इसके टोटल 5 सीरीज आते हैं। ये पर्यावरण का बुक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था, भूगोल, इतिहास, राजव्यवस्था और उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस के 3 बुक आपको लेने होंगे। ये 8 बुक खान सर के हैं, ठीक है, जो कि NCERT पे आधारित है। बुक के कंटेंट को दोस्तों हम देख लेते हैं कि बुक में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। 175 रुपये MRP है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इनको आप विजिट कर सकते हैं। ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है इस बुक का, आप ले सकते हैं वहाँ से जाके। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे विषय सूची में परिस्थितिकी आपको देखने को मिलेगा। परिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र में ऊर्जा प्रभाव, पोषण चक्र, विश्व के बायोम, प्राकृतिक वनस्पति, प्रदूषण, नवीनकरणीय ऊर्जा, जैविक और इसका संरक्षण, सतत विकास, उसके बाद वैश्विक पर्यावरण मुद्दे, पर्यावरण कानून, पर्यावरणीय सम्मेलन प्रोटोकॉल, पर्यावरण प्रबंधन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल 192 पेज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। बुक बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि जीव विज्ञान के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे एक बुक के अंदर, और इस बुक को दोस्तों आप ले लीजिए। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है और NCERT से रिलेटेड आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 4000 से ज़्यादा फैक्ट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन मैं देख के आपको बता देता हूँ, जैसे जर्मनी प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हेकेल ने किस वर्ष परिस्थिति की शब्द का को गढ़ा था, तो 1866 में। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा परिस्थिति की शाखाएं जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको भी कवर किया गया है। तो वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाएगा। जगह जगह आपको क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और ये मुझे अच्छा लगा कि साथ में आपको इसी बुक के अंदर साथ में टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी भी मिल जाएगा, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से कवर कर सकते हैं। इस बुक में आपको इंपॉर्टेंट टेबल भी देखने को मिल जाएगा, जो फैक्ट है उनको टेबल में दिया गया है। क्वेश्चन आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया है टॉपिक को। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ भी उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जैसे जैविक घटक या कार्बनिक घटक क्या होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, सारा टॉपिक आपको दोस्तों देख सकते हैं। इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ किया गया, कभी कभी होता है हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम, तो उसका भी इन्होंने ध्यान रखा है। फिगर भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ टेबल भी आपको क्लियर देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों अच्छा है, इस बुक को लीजिए। बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी भी देखने को मिलेंगे, साथ में वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट टेबल भी आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर, ठीक है। तो इस बुक को ले लीजिए, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टेबल, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिनको टेबल के माध्यम से ही आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो खान सर ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा हुआ है और NCERT के सारे टॉपिक, पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको इस बुक के अंदर कवर कर दिया है। इस बुक से बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस बुक को अगर आपने कवर कर लिया तो आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, वन डे एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे BPSC का प्रीलिम्स हो गया, रेलवे SSC का एग्ज़ाम हो गया या बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो गया, जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं ना उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ई कचरा क्या होता है, तो जो अभी लेटेस्ट टॉपिक है उनको भी इस बुक में शामिल किया गया है और आपको इंपॉर्टेंट टेबल भी देखने को मिलने वाला है। बुक आप लीजिए दोस्तों, बुक में कोई कमी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सारे टॉपिक को दोस्तों जहाँ ज़रूरी है थ्योरी वहाँ पर थ्योरी कवर किया गया है, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर
ये सब तो हमने देख लिया। यहाँ दोस्तों देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो 15 जनवरी 1875 में। तो बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बुक में कोई कमी नहीं है, बुक शानदार है और इस बुक को लीजिए, ठीक है। 192 पेज आपको देखने को मिलेगा इस बुक के अंदर, 192 पेज, ठीक है। और ये बुक बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है दोस्तों इस बुक का, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मैंने पांचों बुक का दोस्तों लिंक दे दिया है, जो इसके 5 बुक आते हैं सभी बुक का लिंक दे दिया है, सभी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।